भारत 15 अगस्त को आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। चौक चौराहों और बड़े बड़े स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से सजाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के लाल किले से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक जश्न आजादी की फिजा होगी। ऐसे में आजादी के जश्न से सिर्फ एक दिन दूर राजधानी दिल्ली की कई सारे इमारतें तिरंगे की लाइटों से सजी हैं। ऊपर केसरी रंग है, बीच में सफेद लाइटें जगमगा रही हैं और आखिर में है हरी लाइट। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हर जगह तिरंगे झंडे अभी से दिखने लगे हैं। यहाँ की इमारतों को तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। स्वाधीनता दिवस के पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के आसपास आम लोगों के लिए यातायात सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा। इसे सिर्फ अधिकृत वाहनों के लिए ही खुला रखा जाएगा। 15 अगस्त के लिए उत्तर दक्षिण की तरफ जाने वाले वाहन चालकों के लिए विकल्प के तौर पर सलाह दी गई है। अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कनॉट प्लेस, मिंटो रोड और यमुना पुष्टा रोड, जीटी रोड पार करने के लिए निजामुद्दीन पुल का चुनाव करें। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के लिए वाहन चालकों को सलाह दी गई है। डीएनडी एनएच 24 विकास मार्ग, डीडीयू मार्ग और बोलवार्ड रोड बर्फखाना से वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि गीता कॉलोनी पुल से शांतिवन के लिए रोड बंद रहेगा। वाहनों को ISBT कश्मीरी गेट से शांतिवन की तरफ लोअर रिंग रोड तथा IP फ्लाईओवर से राजघाट की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।